कि निकाह के मसले में जो कुछ जैसे ये कहते हैं कि भाई हम आपका निकाह में आना बहुत जरूरी है, आप नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा, वो लोग जो है वो है ना एक हदीस के भाई दावत को कबूल करना हराम है, वो निकाह वो दावत की हदीस को यहाँ पर फिट करते हैं, क्या वो सही है कि भाई कहते हैं हाँ, तुम्हारा और आना उसमें जरूरी है, शरीक होना निकाह में बहुत जरूरी है, देखिए, ये जो दावत है। हाँ बिल्कुल, सवाल आपका वाजे है, जवाब सुनिए जी। देखिए, निकाह में शरीक होना ये अलग मसला है, वलीमे में शरीक होना अलग मसला है, दोनों को एक साथ जो है मत जोड़िए। कोई आदमी आपको दावत दे रहा है कि निकाह मेरा होने जा रहा है, फला टाइम आ जाइएगा, आप जाना चाहो तो जाओ, जाओ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप गुनहगार नहीं हो, आप माजरत कर सकते हो। लेकिन वलीमे की जो दावत है, अगर कोई आदमी वलीमे में आपको बुला रहा है तो वलीमे की दावत को कबूल करना ये वाजिब है। वो जो हदीस आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो वलीमे की दावत के सिलसिले में है कि वलीमे की दावत को कबूल करना वाजिब है, इल्ला है कि आपके पास कोई उज्र हो। आप कोई उज्र जो है आपके पास भी हो सकता है, और एक उज्र ये भी हो सकता है कि उस वलीमे में कोई गैर शरई चीज हो रही है, तब भी आप नहीं जाएंगे, कोई मुनकर हो रहा है तब भी आप नहीं जाएंगे, और आपके पास कोई उज्र है तब भी आप जो है माजरत कर सकते हैं, आप बीमार हैं, आप मुसाफिर हैं, कहीं जा रहे हैं, तब भी आप माजरत कर सकते हैं, लेकिन असल ये है कि वलीमे की दावत कबूल करना वाजिब है, इल्ला है कि आपके पास कोई उज्र हो तो आप माजरत कर सकते हैं। बाकी निकाह में, निकाह की मजलिस में शिरकत की जो दावत है उसमें जाना जरूरी नहीं है, आपको जाना चाहिए, जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं गए तो कोई मसला नहीं है।